Hi guys, a lot of semi CA, CA freshers, they are very curious to know about investment banking, how we can get into a job in investment banking, management consulting, private equity, okay, financial due diligence, okay. So, and a lot of hope selling is also done in the market. You do this sort of course and you can get into investment banking or management consulting or private equity jobs, okay. सो आई वॉन्ट टू ब्रेक सम योर बहुत सारा चीज जो कि मार्केट बोला जाता है जो कि जनरली पॉसिबल नहीं है. ठीक है, तो गेटिंग इन टू एन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, प्राइवेट इक्विटी, मैनेजमेंट कंसल्टिंग, स्पेशली इफ यू मैनेजमेंट कंसल्टिंग आपको आपको बिग थ्री में करना है, बेन एंड कंपनी, मैकेंजी, तो ये सब जगह में आपका रैंक आना बहुत जरूरी है. बिग फोर आर्टिकल सी, गुड कॉलेज, डूइंग CFA, एंड दिस आर द क्राइटेरिया विच वो लोग का रहता है. अगर ये क्राइटेरिया आपका मिस नहीं हो रहा है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट इन टू दिस बिग थ्री. ओके, तो समबडी विल टेल यू कि आप ये कोर्स कर लीजिए तो इधर चल जाएगी. इन्वेस्टमेंट बैंकिंग अगर आपको टॉप ऑर्गेनाइजेशन में जाना है, वो भी फ्रंट एंड में, तो इट इज नॉट पॉसिबल बाई डूइंग वट एवर कोर्स यू कैन डू. बट इफ यू डोंट हैव दिस थिंग्स, ओके, बिग फोर ऑर्गेनाइजेशन, यू हैव आर्टिकल सी यू हैव डन, और पोस्ट क्वालिफिकेशन यू हैव वर्क इन बिग फोर, आर्टिकल सी आपने रैंक लाया IPCC और फाइनेंस में, और ये वाला चीज कोई बताता नहीं है, रैंक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आपका आर्टिकल सी मैंने बिग फोर बोला या टॉप 10 CA फर्म, देन आपने कॉलेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका कौन सा कॉलेज है, SRCC से किए है, नरसी मुंजी कॉलेज से किए है, तो ये कॉलेज का बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया रहता है. तो ये क्राइटेरिया कोई बताता नहीं है, और लोग आपको ये बताएगा कि आप फाइनेंशियल मॉडलिंग कोर्स कर लीजिए, आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में लग जाएगा, आप ये मैनेजमेंट कंसल्टिंग कोर्स कर लीजिए और आपको प्राइवेट इक्विटी में लग जाएगा. हाँ, दिस आर ऑल द मीट्स, ओके, एंड आपका नहीं M&A, आपको M&A में लग जाएगा, दिस इज नॉट पॉसिबल. ओके, तो दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड मेनी पीपल, इवन आई हैव मेड एज अ सीए फ्रेशर दिस मिस्टेक्स, तो एवरी पर्सन मेक्स दिस मिस्टेक, मेटली मल्टीपल अटेम्प्ट हो जाता है और वो ये सब कोर्सेस कर लेते हैं, तो इट इज नॉट पॉसिबल डायरेक्टली. तो एक और प्रॉब्लम है कि वो जन को इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और मैनेजमेंट कंसल्टिंग में इसलिए जाना है बिकॉज द सैलरी इज वेरी हाई. अगर सैलरी हाई है तो आपको काम भी उस तरीका से करवा रहा है, दे आर मेकिंग यू वर्क फॉर दैट मच सैलरी ऑल्सो, 15 to 16 hours. ओके, रिगार्डिंग ड्यू डिलीजेंस प्रोफाइल, मेनी क्वेश्चन वर आस्क्ड, सो ड्यू डिलीजेंस, फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस में आप जा सकते हैं स्टिल, अगर आप ऑडिट से स्टार्ट करते हैं, अगर आप स्टैट ऑडिट से स्टार्ट करेगा अपना करियर को, स्पेशली इन पर्टिकुलरली इन बिग फोर, देन डेफिनेटली फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस लेटर ऑन आप जा सकते हैं, M&A प्रोफाइल, ट्रांजेक्शन एडवाइजरी, इट इज पॉसिबल. तो दैट इज द रूट दैट यू कैन गेट इन टू, बट समबडी विल टेल यू यू कैन गेट इन टू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डायरेक्टली और मैनेजमेंट कंसल्टिंग डायरेक्टली इन अ बिग थ्री ऑर्गेनाइजेशन समथिंग, तो दैट इज नॉट पॉसिबल. और फिर ये क्वेश्चन आता है कि हाँ, मैंने ये आपको स्मॉल बुटीक फॉर्म्स में तो मिल ही जाएगा, तो डेफिनेटली स्मॉल बुटीक फॉर्म्स में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, देर आर लॉट ऑफ फॉर्म्स जो ले लेते हैं आपको, बट उसमें आपको सैलरी फिर आपको 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख यही मिलेगा जो कि आपको ऑडिट प्रोफाइल में मिलता है. ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर, और ये कोई गारंटी नहीं है कि आप 2 3 साल, 5 साल यहाँ पर काम करके बुटीक फॉर्म्स में आपको बड़ा ऑर्गेनाइजेशन में जॉब मिल जाएगा. तो अगर आपको रियली अगर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, मैनेजमेंट कंसल्टिंग में काम सीखना है का मन है, तब ठीक है, यू शुड गो फॉर दोज कोर्सेस. बट अगर आप खाली जस्ट इसलिए आप जाना चाह रहे हो उसमें बिकॉज ऑफ पैसा के लिए जाना चाह रहे हो, बिकॉज ऑफ द मनी फैक्टर, देन यू विल अल्टीमेटली एंड अप यूजिंग अ लॉट ऑफ मनी इन डूइंग कोर्सेज विच विल नॉट मेक एनी सेंस, बिकॉज नाउ डेज फाइनेंशियल मॉडलिंग और मैनेजमेंट कंसल्टिंग कोर्सेज, सम आर सेलिंग एट 1500 रुपीज, सम आर सेलिंग एट 500 रुपीज, तो सम आर ऑल्सो सेलिंग एट 30,000 रुपीज ऑल्सो. तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू डोंट फॉल इन दिस ट्रैप्स. ओके, अगर आपको रियली सीखने का मन है तब तो ठीक है, बट अगर आप सोच रहे हो कि ये कोर्स करके आपको 15 लाख या 18 लाख या 20 लाख का नौकरी लग जाएगा, तो दैट इज अ रॉन्ग ऑल्टरनेटिव. डेफिनेटली एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और एज अ सेमी क्वालिफाइड CA, वट एवर, ओके, देर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड डेफिनेटली यू कैन अर्न बिग. ओके, बट यू हैव टू मेक श्योर कि आपको कैसे कमाना है ये लॉन्ग टर्म. डेफिनेटली माई सजेशन ऑलवेज कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है बिग फोर ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट करने का या टॉप 10 CA फर्म से भी मिल रहा है, डेफिनेटली गो फॉर इट. आप स्टेट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट या टैक्सेशन प्रोफाइल में जा रहे हो, तो यू कैन गो, यू कैन ऑल्सो सी माई वीडियोज. ओके, वेर आपको गल्फ कंट्रीज में काफी जल्दी नौकरी लग जाता है और अच्छा पैसा मिलता है आपको, 15 से 20 लाख रुपया. इनफैक्ट आई फील दैट आपको इंडिया में जितना
ग्रिलिंग होता है इंटरव्यूज में, आपको गल्फ कंट्रीज वगैरह में कमती ग्रिलिंग होगा एंड इंटरव्यूज विल बी इजियर और पैसा भी आपको अच्छा खासा मिलेगा. तो देर इज अ लॉट ऑफ मिस गाइडेंस. आई फील की दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी ऑथेंटिक एज मच एज पॉसिबल. सो आई होप ये वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिला होगा. डू सब्सक्राइब आवर चैनल. वी हैव जीएस प्राइम मेंटोरशिप प्रोग्राम एंड आई ऑलवेज से कि करियर गाइडेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड करियर गाइडेंस शुड ऑलवेज कम एट अ कॉस्ट. तो फ्री गाइडेंस ऑलवेज बिकम्स वेरी कॉस्टली. बहुत जन आपको फ्री में गाइडेंस देता है, दैट बिकम्स वेरी वेरी कॉस्टली लेटर ऑन. आफ्टर 5 ईयर्स आप देखते हो आपको फ्री सेशंस के बदले आपको फ्री में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सेशंस, फ्री में मैनेजमेंट कंसल्टिंग सेशंस करके कोर्सेज सेल किया जाता है. एंड इट बिकम्स नॉट ओनली आपका कोर्सेज में तो पैसा बर्बाद हो रही है पर आपका टाइम बर्बाद हो रहा है. डोंट फॉरगेट दैट. ओके, तो 6,000 12,000 का कोर्स कर लिए, दैट इज ओके. वो आपको एक दो दिन में आप अगर सीए तो आप रिकवर कर लेगा बट द टाइम यू कैन नॉट रिकवर. तो मैंने काफी लोगों को देखा है, उसने स्टार्टिंग में अपना बिग 4 में उसको अपॉर्चुनिटी मिल रहा था, उसने उसको ठुकरा दिया उस अपॉर्चुनिटी को और आफ्टर 6 मंथ्स 11 मंथ्स उसको जॉब ही नहीं मिल रहा है. आई हैव सीन पीपल जीरो को सीए फर्म में काम करना पड़ता है. तो दिस इज द प्रॉब्लम विद मेनी पीपल डू मेक व्हेन दे सेमी क्वालिफाइड और सीए फ्रेशर वट एवर. तो दिस आर द मिस्टेक्स दैट एवरी पर्सन मेक्स. ओके, ऑन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड प्राइवेट इक्विटी. एंड आई थिंक दिस वीडियो विल बी वेरी यूजफुल. प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड आपका क्या राय है जो टेल इन द कमेंट सेक्शन. एंड प्लस आपको मेरा ये चैनल फॉलो कर लीजिएगा, लिंक्डइन में भी देख लीजिएगा, काफी वीडियोज हम लोग डालते रहते हैं. डेफिनेटली इफ यू आर अ रैंक होल्डर तब आपको डेफिनेटली वहां पर जाने में ज्यादा फायदा है, बट इफ यू नॉट अ रैंक होल्डर पॉसिबिलिटी नहीं है. मेनी पीपल ऑल्सो टेल यू कि आप ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल यू कैन गेट इन टू दिस BCG वैकेंसी. इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल. आपका रैंक आना बहुत जरूरी है बिग 4 से आर्टिकलशिप एंड कॉलेज इज अ बिग क्राइटेरिया आई फील ऑलवेज. अपार्ट फ्रॉम दैट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हैज टू बी देयर. आई थिंक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, अदरवाइज आप कोर्सेज कुछ भी कर लीजिए, इट्स नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल दे कैन गेट आउट देयर. एंड दिस इज समथिंग आई एम टेलिंग यू नॉट टू डीमोटिवेट बट दिस इज समथिंग. हाँ, यू कैन ऑलवेज से दैट सीए करके अगर आप MBA कर लेंगे तो आप जा सकते हैं इधर में, बट MBA करने में भी आपको 20 से 30 लाख रुपए लग जाएगा, तब जाके आपको सैलरी मिलेगा जो कि मेरे हिसाब से वो भी अगर आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग या मैनेजमेंट कंसल्टिंग में जाने के लिए MBA करना पड़े एंड जस्ट फॉर द सैलरी से यू आर डूइंग इट, तो वो भी आपका सही सीजन नहीं है. इफ यू वॉन्ट टू बिल्ड अ करियर इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग मैनेजमेंट कंसल्टिंग प्राइवेट इक्विटी तो आपका ये होना चाहिए, आपको काम में इंटरेस्ट होना चाहिए. अगर आपको काम में इंटरेस्ट नहीं है और खाली पैसा पे इंटरेस्ट है देन इट इज ऑलवेज अ रॉन्ग डिसीजन. डेफिनेटली आपको अगर काम में इंटरेस्ट है तो बुटीक फर्म्स में भी ज्वाइन कर लीजिए, काम सीखिए. तो काम सीखिए तो डेफिनेटली काम सबसे जरूरी चीज होता है. ठीक है, पैसा अपने आप आएगा अगर आपको काम में इंटरेस्ट होगा तो. तो मेक श्योर दैट यू द वर्क शुड वर्क प्रोफाइल शुड इंटरेस्ट यू रैदर देन द सैलरी पार्ट. ओके, थैंक यू सो मच.